ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जेल में लॉरेंस तो किसने भेजी नई धमकी? क्या सलमान के खिलाफ बड़ी साजिश है? कौन सलमान खान को मारना चाहता है? क्या सलमान मोहरा है कोई और चेहरा? 5 करोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। सलमान खान के नाम पे एक और धमकी आ गई है। धमकी देने वाला कौन है? मुंबई पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लॉरेंस के नाम से भेजी गई धमकी का पता अब की बार सलमान खान के घर नहीं बल्कि मुंबई पुलिस का एक नंबर है। जानकारी के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर बीते दिन धमकी आई। धमकी का मजूमन पढ़कर मुंबई पुलिस के आला अफसरों की नींद उड़ गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस को भेजी गई धमकी में लिखा था, इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस की दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब सवाल यही है कि डॉन लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कैद है। ऐसे में जेल के बाहर लॉरेंस के नाम से सलमान खान को नई धमकी किसने दी है? बड़ी बात यह है कि इस धमकी का मंजूमन सलमान को पहली बार सलमान से जिंदगी के बदले 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। धमकी में ये लिखा गया था, अगर सलमान खान 5 करोड़ रुपए लॉरेंस गैंग को दे देता है तो दुश्मन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले लॉरेंस के नाम से आई धमकी में कहीं भी रंगदारी का जिक्र नहीं था। धमकी में यही कहा गया, अगर बिश्नोई समाज से माफी मांग लेते हैं तो काले हिरण मामले को लेकर दुश्मनी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपको सलमान खान को मिली धमकियों के बारे में बताते हैं। जून 2022 मॉर्निंग वॉक पर निकले सलमान खान के पिता सलीम खान को बेंच पर धमकी भरा लेटर मिलता है। लेटर में लिखा था, तेरा मुझसे वाला जैसा हाल बना देंगे सलमान खान। मार्च 2023 सलमान खान के ऑफिशियल मेल पर 3 धमकी भरे मेल भेजे गए। ईमेल में लिखा था, सलमान खान अगला नंबर 13 है, तो जोधपुर आते ही सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। मार्च 2023 जेल से दिए एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस ने कहा था, मेरा बचपन से ये बस एक ही गोल है और वो है सलमान खान को मारना। अप्रैल 2023 मुंबई पुलिस को फोन करके रॉकी नाम के एक शख्स ने सलमान खान को मारने की धमकी दी। दावा यही किया गया कि वो सलमान को मार देगा। पुलिस ने रॉकी नाम के एक आदमी को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया था। मुंबई पुलिस हर मामले की जांच गहराई से करती है। सलमान खान को पहले भी मिली है धमकियां और इन धमकियों के मामले में जब पुलिस ने जांच की तो बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं, कुछ सिरफिरों की साजिश थी या कुछ लोगों ने पब्लिसिटी पाने के लिए ये धमकियां दी थी। पर मुंबई पुलिस हर मामले को पूरी संजीदगी से इन्वेस्टिगेट करती है। एक बार फिर से सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया, वही लॉरेंस गैंग जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी। खुद सलमान ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि लॉरेंस उन्हें मारना चाहता है। मेरे बॉडीगार्ड ने बांद्रा के पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल को मेरी जान लेने के लिए हुए इस हमले को लेकर FIR दर्ज करवाई थी। मुझे ये भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक की एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने मुझे और मेरे परिवार को मारने को लेकर एक इंटरव्यू में बात कही थी, तो मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही अपने गैंग के साथियों की मदद से इस फायरिंग को अंजाम दिया। जब मेरे परिवार के सदस्य सो रहे थे, उसका प्लान मुझे और मेरे परिवार वाले को मारना था, जिसके लिए उसने ये हमला करवाया। मुंबई पुलिस को सलमान खान बता चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई साथ साथ उनके परिवार का जानी दुश्मन है। लॉरेंस उनके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सलमान मानते हैं कि 14 अप्रैल को घर पर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस की गहरी साजिश थी। टारगेट पर उनका पूरा परिवार था। 14 अप्रैल 2022 को मैं सो रहा था जब मैंने पटाखों की आवाज सुनी। सुबह 4:05 बजे थे, तब पुलिस बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक पर आए 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर बंदूक से फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही मेरी बालकनी पर फायरिंग करवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।